क्या आप खर्रा खाते हो? अगर आप खर्रा खाने के शौकीन हो तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि खर्रा खाने से आपको हो सकता है कोरोना। देखिए एनबीसी न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना महामारी से सभी लोग अब अच्छे से परिचित हैं। नागरिकों को यह पता है कि यह लोगों के संपर्क में आने, छींकने, खांसने से फैलता है और बुखार भी इसमें एक तरह का लक्षण होता है। लेकिन यवतमाल के एक खर्रा विक्रेता ने सबको खर्रे के साथ कोरोना की बीमारी भी दे दी है। दरअसल कुछ दिनों से यवतमाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, जिसने प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। शुरुआत में इस संक्रमण के फैलने की सच्चाई सामने नहीं आने से इससे रोकथाम की प्रक्रिया कैसे शुरू किया जाए समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे प्रशासन ने छानबीन शुरू की तो बात सामने आई कि यह संक्रमण का प्रसार एक खर्रा विक्रेता से शुरू हुआ है। यह खुद कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके संपर्क में आने वालों में से तकरीबन 8 लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, बाकी अन्य लोगों की जांच शुरू है। जानकारी के अनुसार प्रतिष्ठान प्रतिबंधित की वजह से सभी दुकानें बंद है, जिस वजह से यह खर्रा विक्रेता सभी को घरों में ले जाकर खर्रा बेचा करता था, जिस कारण ही यवतमाल में मामला इतनी तेजी से बढ़ा है। लोगों को स्वादिष्ट और हेल्दी खानों की चीजों से ज्यादा व्यासाधीन चीजें अधिक आकर्षित करती है, फिर चाहे वो शराब हो या फिर गुटखा खर्रा। लेकिन जो दौर शुरू है महामारी का, ऐसे में सभी शौक प्रतिबंधित हो चुके हैं। लेकिन लोगों को इसका उपाय भी निकालना आता है, फिर अवैध तरीके से शराब खरीदना और बेचना हो या खर्रा खरीदना या बेचना। नागपुर तो है ही नागपुरी खर्रा के लिए फेमस, फिर हमारा शहर इसमें कैसे पीछे हो सकता है? इसी तर्ज पर एनबीसीएन की टीम ने भी शहर के आसपास के परिसर का जायजा लिया, यह देखने के लिए कि नागरिक कितनी सावधानी बरत रहे हैं। इस बीच बड़े पैमाने में खर्रे की कालाबाजारी होने की बात सामने आई। शहर के रेशिमबाग चौक, वकील पेट, सीरस पेट, महल, इतवारी, सुभाष नगर जैसे अन्य ठिकानों पर खुलेआम अवैध तरीके से खर्रा बेचा जा रहा है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो दक्षिण नागपुर के संत गुलाब बाबा आश्रम का परिसर है, जहां एक लड़का कैसे रास्ते पर खड़ा होकर खर्रा बेच रहा है और लोग कतार लगा कर खरीद भी रहे हैं। ज्यादातर लोग इसी कारण घर से बाहर निकलते देखे जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना, शौक बहुत बड़ी चीज होती है जनाब। लेकिन एहतियात नहीं बरता गया तो जिस संकट में अभी यवतमाल है, वैसा संकट नागपुर की जनता पर भी आ सकता है। पहले ही नागपुर रेड जोन की राह पर ही है और इस तरह का कुछ मामला सामने आता है तो 3 मई का लॉकडाउन एक्सटेंड करने के अलावा प्रशासन के पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचेगा। इसलिए यवतमाल में हुए इस प्रकरण से सबक लेकर प्रशासन को सहयोग करें और घर में रहे, सुरक्षित रहे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ अभिषेक पाल से एनबीसीएन न्यूज नागपुर।